तो नमस्कार फ्रेंड, इस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले कि गाइस आपने मोबाइल में शॉपक्लूज बाजार एप्लीकेशन में अपना एड्रेस ऐड कैसे कर सकते हैं। जी गाइस, आपने मोबाइल में शॉपक्लूज बाजार एप्लीकेशन में अपना एड्रेस ऐड कैसे कर सकते हैं। सिंपल्स गाइस, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सिंपल्स गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको अपने मोबाइल में शॉपक्लूज बाजार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे की साइड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड यहाँ पर माई प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड ऐड एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल गाइस, मैं यहाँ पर ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने को बोल देता है गाइस। तो यहाँ पर सिंपल गाइस हमें जो है यहाँ पर फर्स्ट में तो गाइस आपको अपना पिन कोड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सेकंड में गाइस आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर गाइस आपको जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपल गाइस, मैं अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फर्स्ट में गाइस आपको अपने फ्लोर का नाम और गाइस आपके अपने फ्लैट का नाम यहाँ पर फ्लॉप कर देना होता है। तो सिंपल से मैं अपने फ्लैट और गाइस अपने फ्लोर का नाम यहाँ पर फ्लॉप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको नीचे की साइड अपनी सोसाइटी का नाम या फिर गाइस आपको अपनी स्ट्रीट का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो सिंपल गाइस, मैं यहाँ पर नीचे की साइड अपनी स्ट्रीट का नाम यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। स्ट्रीट का नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना होता है। तो सिंपल गाइस, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रीट का नाम यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। स्ट्रीट का नाम फिलअप करने के बाद नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाता हूँ। नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करते हुए आने पर गाइस आपको यहाँ पर ये घर का एड्रेस है या फिर होम का, तो इसे या फिर ऑफिस का, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस सेव एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही गए जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा गाइस। यहाँ पर देखिए जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर सेव हो गया गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने शॉपक्लूज बाजार एप्लीकेशन में अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।